तो फ्रेंड ये मैंने अपनी दाल उबाल रही है, ये उड़द की दाल और राजमा है, ये मैं बनाऊंगी दाल मखनी आज। ये देखिए इसको मैंने उबाल लिया है दाल को, खाली नमक डाल के, ठीक है। और अब मैं कर दूंगी गैस को, आज मेरा लाइटर हो गया ख़राब और माचिस से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो अब मैं इसमें डालूंगी देसी घी, ये मैं इसमें डालूंगी, एक चम्मच, दो चम्मच मैंने डाल दिया इसमें देसी घी। हम बना रहे हैं दाल मखनी और आज मैं बना रही हूँ दाल मखनी के साथ नान, जो घर पर ही तवे पर बनाए जाते हैं, ठीक है। ये मेरा घी हो गया मेल्ट, अब मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच, दो चम्मच जीरा, ये मैंने डाल दिया इसमें जीरा, और ये दो हरी मिर्च, ये दो हरी मिर्च मैंने बीच में से फाड़ लिए हैं, जीरा लगा लिया है, ये डाल दूंगी इसके अंदर, और इसमें मैं डाल दूंगी हींग, ये थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें हींग, ये हींग डाल दिया मैंने इसमें, हींग से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। अब मैं इसमें डाल दूंगी, ये मैंने एक बड़ा टमाटर था जो मैंने कद्दूकस में कद्दू कर लिया था, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, और अब इसको चलाएंगे, और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें पानी, और ये मैं अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे इसको। अब इसमें मैंने डाला है ये वाली चम्मच, एक चम्मच नमक मैंने डाल दिया था उबलते हुए में, एक चम्मच के करीब मैंने डाल दिया था उबलते हुए राजमे में। और अब मैंने ये डाली है इसमें डेढ़ चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, और दो चम्मच धनिया कुटा हुआ, और थोड़ा सा नमक, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और हल्दी हम इसमें डालेंगे नहीं, क्योंकि दाल मखनी में हल्दी नहीं पकती है। और ये है दाल मखनी का मसाला, ये वाला, ये दाल मखनी का मैं इसे यूज़ करती हूँ, इससे बहुत ही अच्छी जो है दाल बनती है, ये दाल मखनी मसाला है। अब मैं इसको इसमें भी डाल दूंगी, और ये मसाला मैं इसमें डाल दूंगी इतना, ये है दो चम्मच के करीब है, ये डाल दूंगी इसके अंदर, ये मैं बना रही हूँ दाल मखनी, और मैं बनाऊंगी नान, ठीक है फ्रेंड। ये मैंने दो चम्मच इसके अंदर डाल दिया है मसाला, दाल मखनी को हमेशा फ्रेंड देसी घी में बनाना चाहिए, क्योंकि उसका तो नाम ही दाल मखनी है। वैसे भी मैं जो कि सारी दालें बनाती हूँ वो हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ, जो तड़का लगाती हूँ वो देसी घी का ही लगाती हूँ। और ये देखिए कि हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, ये देखिए ये मसाला अच्छे से भून चुका है हमारा, ये देखिए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी अपनी ये दाल, ये लीजिए फ्रेंड, ये मेरी दाल बनकर हो गई है तैयार, ये देखिए।
कितनी अच्छी मैंने दाल बनाई अपनी। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा, इसको पकालेंगे और इसको थोड़ी देर ऐसी रखेंगे। ठीक है, ये बन गया मेरा दाल मखनी। और इसमें मैं डाल दूंगी ऊपर से थोड़ा सा घी ताकि थोड़ी तरी आ जाए। ये अब इसमें एक उबाल आ चुका है, बस हमें इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बस हमें इतना ही करना है इसको। और अब हम इसको देंगे, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरे धनिया की पत्ती। ये हमारी दाल बनकर हो गई है तैयार फ्रेंड। तो अब मैं, ये है फ्रेंड किलो मैदा, आज मैं बनाने जा रही हूँ नान तवे पे। नान बनाऊंगी तवे पे, और ये मैंने ले ली एक किलो मैदा, और इसमें एक चम्मच मैंने डाल दिया अजवाइन। वो डायबिटीज के लिए सही होती है, क्योंकि मैदा जल्दी से पच नहीं पाती, तो इसलिए मैंने डायबिटीज के लिए ये अजवाइन डाल दी थोड़ी सी। और इसमें मैं आधी कटोरी डाल दूंगी, ये ऐसा गड्ढा कर लेंगे। और इसमें मैंने नमक डाल दिया, ये नमक डाल दिया मैंने एक चम्मच, एक चम्मच नमक, ये दो चम्मच चीनी, ये दो चम्मच चीनी, एक चम्मच चीनी, और ये मैंने आधी कटोरी डाल दी इसमें दही, और ये एक पाउच डाल दी मैं इनो की। ये देखिए, ये इनो की एक पाउच डाल दूंगी इसके अंदर। और इसको आप मिक्स कर लेंगे। क्या ये मैंने मैदा को छान के कर लिया है। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंड नान, और वो भी घर में बना रही हूँ तवे पे, और मैं आपको आज बना के दिखाऊंगी नान। मैं लंच में बनाऊंगी इनके लिए। ये मैंने गुनगुना पानी कर लिया थोड़ा सा, इसे मैं गुनगुने पानी में मानूंगी। आज मेरे जो बच्चों को चाहिए नान, वो कह रहे थे मम्मी आज जो है नान और दाल मखनी बनाओ। तो फ्रेंड मैंने सोचा चलो बना तो रहे हैं, चलो इसकी वीडियो भी बना के अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से दाल मखनी और नान बनाती हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरह से कर लिया मिक्स सारी चीज़ों को। और अब मैं ये लूँगी गुनगुना पानी, और इसमें थोड़ा सा, वैसे तो डालते हैं रिफाइंड, लेकिन मैं इसमें डालूँ देसी घी। ये मैंने थोड़ा सा मिला दिया इसमें देसी घी। ठीक है फ्रेंड, मतलब एक चम्मच के करीब मैंने इसमें मिला दिया देसी घी। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। मैंने मिला लिया। ठीक है फ्रेंड, और ये मैंने ले लिया गुनगुना पानी, ज्यादा तेज नहीं लेना, गुनगुना लेना है, क्योंकि ठंड का मौसम है इसलिए पानी थोड़ा चिड़ हो जाता है। तो मैं ये ले लेंगी गुनगुना पानी फ्रेंड। अब मैं इसे मैदे को मार लूंगी। ये देखिए ये नान की पैदा जो होती है, इसको अपने दो तीन घंटे के लिए इसको बांध के मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से ये लगा दूंगी इसमें घी। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने अपनी मैदा लगा दिया, और इसको मैं गीले कपड़े से इससे इसको ढक के इसको ऐसे बिल्कुल कवर करके इसको रख दूंगी। अरे ये कोई
इस थाल से मैं इसको बिल्कुल कवर करके रख दूंगी एक दो घंटे के लिए। ये देखो फ्रेंड, ये मैंने इसकी ये बना के रख ली है मैदा की लोइयां, ये बना ली। और हम इसको ऐसे आटे से लगा के इसको बेल लेंगे, सूखे आटे लगा के बेल लेंगे। और इसके ऊपर हम लगाएंगे ऐसे पानी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम एक तरफ लगा देंगे इसको पानी, और इसमें लगाएंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये हम इसमें अच्छी तरह दबा दबा के थोड़ा सा लगा देंगे इसमें हरा धनिया। ठीक है, ये लगा दिया। अब हम इसको उठाएंगे और ये पानी वाली तरफ से हम इसको ऐसे तवे पे डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड, ये देखो इसी तरह मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको। ये हमने सूखा आटा लगा के इसको ऐसे बेल लेंगे। आप कोई से भी आकार में इसको बेल सकते हैं, गोल, ओवल, कैसे भी आकार में आप इसको लंबा कैसा भी आप बना सकते हैं इसको, जैसा आप चाहें। और इसको मैं इसको ओवल में बना रही हूँ, ओवल शेप में। ये देखिए हम इसको हल्के हाथों से इस तरह बेलते रहेंगे, ये अपने आप ही बढ़ जाएगा। मैदा होती है वो बढ़ जा वैसे खींचती है। तो हम इसको इस तरह से, ये देखिए ये हमने इसको बेल लिया ओवल शेप में। और ये एक हमारा तवे पे पड़ा हुआ है। अब हम इसमें लगाएंगे ऐसे पानी। मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ ये, ताकि आप भूल ना जाए। ये देखिए, और इसको लगा देते हैं तवा, धो के साफ करा हुआ। देखिए ठीक है फ्रेंड, अब हम इसको सिकाई कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, गैस को करेंगे ऐसे तेज, और उल्टा तवा इस तरफ से हम इसको बनाएंगे। एक मैंने ये बना के रखा हुआ है, ये देखो फ्रेंड मैंने कितना बढ़िया नाम तवे पे ही अपने घर में बनाया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए कितना बढ़िया नान मेरा बनकर तैयार हो गया। ये देखिए, और इस पर हम मैं लगा रही हूँ अपना घर का शुद्ध देसी घी, इस पर मक्खन की तरह ही। और ये देखिए, ये देखिए मेरा नान नहीं खाते, इतने बढ़िया मेरे नान बनकर तैयार हुए ना फ्रेंड। आप भी इस तरह बनाइए, खाइए, और मुझे कमेंट में बताइए कैसे लगे। ये है मेरा लंच। ये देखिए फ्रेंड, नान, दाल मखनी और रायता, और ये अचार की मिर्च। ये है, लीजिए फ्रेंड आप भी खाइए।